आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें से ये एंगल जो है 90 के बराबर है और ये थीटा है। हमने ये चेक करना है कि साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर है इस ट्राइंगल के लिए। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा ये बराबर होता है आपके पास जो इसके फ्रंट साइड पर जो लाइन नज़र आ रही है आपको बी अपोजिट साइड पर, ये इसके यहाँ पर अपोजिट साइड इसको सामने नज़र आ रही है ये वाली लाइन, जैसे बी डिवाइडेड बाय सी परपेंडिकुलर लाइन डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बराबर होता है एडजेसेंट लाइन, इस थीटा के साथ कौन सी एडजेसेंट लाइन है, ए लाइन डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इन दोनों में से जो है सी कामन है, हाइपोटेन्यूज दोनों में से कामन है। एक साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अक्सर हम इसे एक्स वाई और आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस केस में हमारे पास होगा एस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय आर एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय आर। अब हमने पैथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है जिसमें हमने कहा हुआ है कि एक्स स्क्वेयर के राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर या ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। अब लाइन को कोई भी नाम दे सकते हैं इसको। अब इस तरह इसको कर दे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। अब हमने डिवाइड करना है आर स्क्वेयर से दोनों साइड को, एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। ये हमारे पास एक्स डिवाइडेड बाई आर होल स्क्वेयर प्लस वाई डिवाइडेड बाई आर होल स्क्वेयर इज इक्वल टू वन। अब एक्स डिवाइडेड बाई आर, एक्स डिवाइडेड बाई आर किस चीज़ के बराबर है, कॉस के। तो ये हमारे पास बराबर हो गया कॉस स्क्वेयर ऑफ थीटा प्लस, अब ये वाई बाई आर किसके बराबर है, साइन थीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू वन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो और